हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना हमारे यूट्यूब चैनल में आरसीसी में। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं जो हम पिछले लेक्चर में देखे थे। पिछले लेक्चर में शायद हमने देखा था कि शियर रेनफोर्समेंट का हम डिज़ाइन कैसे करते हैं। शियर रेनफोर्स के डिज़ाइन में हमने देखा था कि जब टाओ बी का मान टाओ सी बाई टू से कम होता है तो उस स्थिति में कोई भी शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। फिर दूसरा क्या हमने देखा था कि जब टाओ बी का मान टाओ सी बाई टू से तो अधिक है लेकिन टाओ सी से क्या है कम है, तो ऐसे केस में हम कहते थे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कब कंडीशन में हमने कहा कि टाउ बी का मान टाउ सी बाई टू से तो अधिक है लेकिन टाउ सी से क्या है कम है, तो वहाँ पर मिनिमम रेनफोर्समेंट हमने डाला था। और उसके लिए मिनिमम रेनफोर्स के लिए हमने कुछ फार्मूला वहाँ पर देखा था, ठीक है, आप जाकर के पीछे देखिएगा, अभी यहाँ पर भी आगे मिलेगा, ठीक है। फिर आगे हम देखे थे कि जब टाउ बी का मान टाउ सी से अधिक हो जाता है तो वहाँ पर शियर रेनफोर्समेंट की हम डिजाइन करते हैं। शियर रेनफोर्समेंट की हमने सिर्फ डिजाइन वहाँ पर बताया था कि शियर रेनफोर्समेंट की हम डिजाइन करेंगे। और शियर रेनफोर्समेंट के रूप में हम तीन प्रकार से शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। एक हमारा होता है वर्टिकल स्टीरर, दूसरा हमारा होता है बेंट अप बार, और तीसरा हमारा क्या होता है दोनों का कंबाइन, क्लियर हुआ। फिर तीसरा केस हमने वहाँ पर देखा था कि जब टाउ बी का मान, ठीक है, टाउ सी मैक्स से भी अधिक हो जा रहा है, क्लियर हुआ, टाउ बी का मान टाउ सी मैक्स से भी अधिक हो जा रहा है, तो ऐसे केस में कहेंगे कि पुनः रीडिजाइन करने की आवश्यकता है, क्लियर हुआ से। तो अब बात यह आती है कि शियर रेनफोर्समेंट हमने देख लिया कि कब पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं कि शियर रेनफोर्समेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज हम देखेंगे शियर रेनफोर्समेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है और किस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे, क्लियर हुआ। तो शियर रेनफोर्समेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है थोड़ा सा हम देखने की बात करते हैं। हमने कहा शियर रेनफोर्समेंट, देखो यहाँ पर क्या है, ये हमने क्या किया लॉन्गिट्यूडनल बार डाल दिया, मान लेते हैं बीम सेक्शन है, और इस बीम सेक्शन हमने क्या किया लॉन्गिट्यूडनल बार हमने कुछ इस प्रकार से प्रोवाइड किया। बता भाई क्या ये लॉन्गिट्यूडनल बार ऐसे ही रुके रहेंगे, हमने कहा नहीं। जैसे हमने कुटाई करना स्टार्ट किया हो सकता है एक भाई साहब कुछ इधर की ओर घूम जाए, हो सकता है ये इधर की ओर घूम जाए, अब बता भाई अपना स्थान त्याग देंगे नहीं आज। जब अपना स्थान से हटे ये तो हम कहेंगे इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगी प्रभावित हो जाएगी, हम कहेंगे कि मेन लॉन्गिट्यूडनल बार या हम कहेंगे मेन बार जो भी है उसको अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं रेनफोर्समेंट क्या होता है रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, क्लियर हुआ, शियर रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब बात यह आती है कि क्या इसी को करने के लिए, हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद कुछ और पॉइंट भी है, इसको अपने स्थान पर बनाए रखा और फिर कंक्रीट को अच्छे से कंपैक्ट किया गया, इसको सुदृढ़ीकरण बना दिया, अर्थात हम कहेंगे इसको पर्याप्त मजबूत बना दिया। फिर हम जानते हैं क्या कि मान लीजिए भाई कंक्रीट है ब्रिटल मटेरियल है, कभी कभी क्या होता है कि कंक्रीट बना है उसका कवर, कंक्रीट में जो उचित कवर दिया गया था वो कवर क्या हुआ फट गया, कवर फट गया तो मेन रेनफोर्समेंट जो भी होगा वो हमारा क्या होगा बाहर आ जाएगा। जब मेन रेनफोर्समेंट बाहर आया तो हम कहेंगे कि ये है स्टील, ठीक है। जैसे ही कवर फटा स्टील और कंक्रीट इन दोनों में क्या होती है बॉन्डिंग फेल हो जाती है, इन दोनों की बॉन्डिंग फेल हो जाती है। जैसे बॉन्डिंग फेल हुआ हम कहेंगे स्ट्रक्चर भी आपका क्या होगा फेल कर जाएगा। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो आपका शियर रेनफोर्समेंट डाला जाता है, जो शियर रेनफोर्समेंट डाला जाता है वो शियर रेनफोर्समेंट इनकी रक्षा करता है। मतलब हम कहेंगे क्या कि अगर बाय चांस कवर आपका क्या हुआ फेल हुआ तो जो भी स्टील और कंक्रीट के बीच बॉन्डिंग फेल हो रही है ये बॉन्डिंग फेल नहीं होने देता है, क्योंकि मान लीजिए मेन रेनफोर्समेंट बॉन्डिंग फेल कर गया लेकिन जब इनको बांधा गया है चारों तरफ से, ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट द्वारा वो तो भी फेल नहीं हुए हैं, वो क्या करेंगे इनको पकड़ के रखेंगे, क्लियर हुआ। दूसरी चीज क्या होता है कि हम जानते हैं कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो सूखने के बाद या टाइम के साथ इसमें क्या होती है क्रैकिंग जनरेट होती है, क्लियर हुआ। तो हमने कहा ये हमारे पास क्या है धरन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है धरन है, इसमें समय के साथ हम कहेंगे क्या श्रिंकेज होगा, श्रिंकेज के साथ साथ इसमें क्या होगी क्रैकिंग होगी, और इस क्रैकिंग को रोकने के लिए हम कहेंगे कि मेन रेनफोर्समेंट काम नहीं कर पाता है। हम कहेंगे ये जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग हो रही है, मान लीजिए हमारा धरन है ये जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग हो रही है ऐसे क्रैकिंग हो गई, ऐसे मान लीजिए कोई क्रैकिंग हो गई तो मेन रेनफोर्समेंट आपका यहाँ पर डाला गया, मेन रेनफोर्समेंट हमारा यहाँ पर डाला गया है, क्रैकिंग यहाँ पर हुई, ठीक है, ये पार्ट अलग हो जाएगा ये पार्ट अलग, अब बीच में पूरा हो जाएगा क्या दरार पड़ जाएगा, ठीक है, क्रैकिंग आ जाएगी, जिसके कारण हम कहेंगे कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग हो रही है श्रिंकेज तथा टेम्परेचर वेरिएशन के कारण ये जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग हो रही है इस क्रैकिंग को मेन रेनफोर्समेंट रजिस्ट नहीं कर पाता है, अतः इस लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग को रजिस्ट करने के लिए रोकने के लिए, ठीक है, या प्रिवेंट करने के लिए शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। शियर रेनफोर्समेंट कैसे होगा, ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट कुछ इस प्रकार से आकर के इनको क्या करता है बांधते हुए चला जाता है, बता रहे हुआ।
जब शेयर रेइंफोर्समेंट हमारा इस प्रकार से बांधा तो हम कहेंगे जो भी लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग है वो क्रैकिंग यहाँ पर क्या होगा, रुक जाता है। क्लियर? लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग और किस रीजन से हो सकता है, तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण इसमें इंटरनल क्रैकिंग जनरेट हो सकता है। क्या? इंटरनल क्रैकिंग जनरेट हो सकता है, और इस इंटरनल क्रैकिंग के कारण भी यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, क्रैकिंग नजर आएगी। बताओ क्लियर हो, वो भी कौन सी क्रैकिंग, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। क्लियर हुआ से? ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको हमने बताया, अब उसको हम लिख भी दिए हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे जो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो हमने आज बताया है, ठीक है, बताते क्या है यहाँ पर लिखा क्या है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो मैं आपको क्या देख रहे हैं, पहला आपका दिख रहा है होल्डिंग रेइंफोर्समेंट इन प्लेस व्हेन कंक्रीट इज बीइंग कास्टेड। कास्टेड मतलब होता है यहाँ पर क्या, सुदृढ़ीकरण। कास्टेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सुदृढ़ीकरण। अगर हम कहेंगे क्या कि होल्डिंग रेइंफोर्समेंट इन प्लेस, मतलब क्या, जो मेन रेइंफोर्समेंट है उसको अपने स्थान पर क्या करता है, होल्ड करता है, मतलब पकड़ने का कार्य करता है, जिसके कारण कंक्रीट क्या होती है, ठीक है, एक सघन हो जाती है, सुदृढ़ीकृत हो जाती है। दूसरा नंबर हम देख रहे हैं क्या कि मिनिमम सीयर रेइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट सीयर फोर्स एट द सपोर्ट। भाई तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मैक्सिमम सीयर फोर्स कहाँ पर होता है, सपोर्ट पर होता है, ठीक है, और उसी सीयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम सीयर रेइंफोर्समेंट डालते हैं। ये आपको पिछले लेक्चर में दिखा दिया है, ठीक है, तो वही भी यहाँ पर आगे लिखा गया है सपोर्ट एंड अरेस्ट द, ठीक है, कुछ नहीं भाई, मूवी भी देखते हो ना, वहाँ पर लिखते हो अंडर अरेस्ट, अरेस्ट मतलब क्या, पकड़ना, वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है, अरेस्ट द लॉन्गिट्यूडनल क्रैक ऑन द, ठीक है, ऑन साइड फेस ड्यू टू श्रिंकेज एंड टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, हम कहेंगे श्रिंकेज और टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो लॉन्गिट्यूडनल या साइड फेस पे क्रैकिंग होता है उस क्रैकिंग को भी रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम शेयर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ? ये क्रैकिंग और किस रीजन से हो सकता है, तो हम कहेंगे कि ये क्रैकिंग इंटरनल क्रैक होने के कारण भी हो सकता है, अर्थात श्रिंकेज हुआ, श्रिंकेज का टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण इंटरनल क्रैक जनरेट होता है, जिसके कारण हम कहेंगे क्या कि ये लॉन्गिट्यूडनल क्रैक भी जनरेट होता है। बताओ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। एक चीज और करता है ये, क्या, ये जो डायगोनल क्रैक जनरेट हो रहा था ना, इस क्रैक को भी ये फैलने से रोकता है, कौन, शियर रेइंफोर्समेंट। बताते क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, ये शियर रेइंफोर्समेंट के स्थान पर वर्टिकल स्टीरप्स बोल देता है। क्लियर हुआ? तो अभी वर्टिकल स्टीरप्स हम उसको बता रहे हैं। फिर हम क्या देखे हैं, टू कंट्रोल द प्रोपेगेशन ऑफ डायगोनल क्रैक एंड थस अवॉइड अब्रप्ट फेलियर। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वही चीज भाई जो भी बताए हैं, क्या होता है कि जो ये बीम होती है इसमें जो डायगोनल क्रैकिंग होती है, इस क्रैकिंग को फैलने से भी क्या करता है, ये रोकता है, फैलने से रोकता है। और जब डायगोनल क्रैक को फैलने से रोक रहा है, हम कहेंगे इसमें जो अब्रप्ट फेलियर होगा, अचानक जो फेलियर होगा उस फेलियर को क्या करता है, ये रोकता है, अवॉइड करता है। दूसरा हम ऐसा देख रहे हैं क्या कि प्रिवेंट सडन फेलियर ऑफ बीम इफ कंक्रीट कवर बर्स्ट एंड बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज लॉस्ट। अर्थात हम कहेंगे क्या कि सडन फेलियर के कारण यदि कंक्रीट का कवर फट जाए, जिसके कारण स्टील का बॉन्डिंग, स्टील और कंक्रीट के बीच बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाती है, तो क्या करता है कि उस कंडीशन में भी ये शियर रेइंफोर्समेंट उसको रोकने का कार्य करता है। फिर आगे हम देख रहे हैं प्रिवेंट टेंशन फेलियर ड्यू टू श्रिंकेज, ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस एंड इंटरनल क्रैकिंग इन बीम। वही जो ऊपर है वही हमारा यहाँ पर भी है। बताओ क्लियर हुआ? तो हमने क्या देखा कि शियर रेइंफोर्समेंट से बड़े फायदे हो रहे हैं, इसलिए हम शियर रेइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो आपको क्या बताया जाता है कि शियर रेइंफोर्समेंट केवल शियरिंग को रजिस्ट करने के लिए रहता है, नहीं, उसके अलावा भी काफी काम रहता है। ठीक है, उसके अलावा भी काफी काम रहता है, इसलिए हम शियर रेइंफोर्समेंट यहाँ पर डिजाइन करते हैं। अब शियर रेइंफोर्समेंट मुख्यतः तीन प्रकार से डाला जाता है, एक होता है वर्टिकल स्टीरप, दूसरा हमारा होता है बेंट अप बार, और तीसरा हमारा होता है क्या, दोनों का कंबाइन। ठीक है, तो एक एक करके हम देख रहे हैं, पहले हम देखेंगे वर्टिकल स्टीरप के बारे में, पहले किसके बारे में देखेंगे, वर्टिकल स्टीरप के बारे में। वर्टिकल स्टीरप आप लोग देखे हो, ठीक है, नहीं देखे हो हम दिखा रहे हैं अभी वर्टिकल स्टीरप, ठीक है, हाँ इसलिए लिख दिए हैं ताकि टाइम फालतू लॉस ना हो लिखने में, ठीक है, ये मत सोचना कि पहले से लिखा गया था, टाइम लॉस होने से बचने के लिए ऐसा किए हैं, ठीक है, नहीं तो हमें क्या है भाई, हम तो चिल्लाते रहेंगे इसे। चलिए देखते हैं, हमने कहा ये हमारे पास सेक्शन है, ये हमारे पास सेक्शन है, पहले यहाँ पर बना देते हैं भाई, ये भी बताना पड़ेगा शेयर रेइंफोर्समेंट तीन प्रकार से होता है, एक बेंट अप बार, नहीं, एक हमारा वर्टिकल स्टीरप। वर्टिकल स्टीरप में दो प्रकार होता है, एक वर्टिकल होता है, एक इंक्लाइंड होता है, अभी दोनों हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, दूसरा हमारा होता है बेंट अप बार, तीसरा हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड, ठीक है, बेंट अप। क्लियर हुआ से? तो हम जो पहले देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं वर्टिकल
स्टीरर्स, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, वर्टिकल स्टीरर्स की बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल स्टीरर्स हमने क्या देखा कि ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पर ये हमने वर्टिकल स्टीरर्स डाल दिया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, वर्टिकल स्टीरर्स डाल दिया। यहाँ पर हमने रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट डाल दिया, ठीक है। और इसको हम अगर देख रहे हैं तो ये भाई साहब कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भाई साहब हमारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। इसका जो मेन रेनफोर्समेंट होगा वो रेनफोर्समेंट यहाँ पर होगा। अब बता भाई, यहाँ पर हमने कहा कि जो छल्ला है, ये जो यहाँ पर छल्ला लगा है, क्या ये छल्ला ऐसे ही रुका रहेगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं भाई, ये छल्ला ऐसे ही रुका रहेगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं रुका रहेगा, ठीक है। तो कैसे इसको हम रोकें, फिर इसको हम कैसे रोकें? तो हम कहेंगे कि ऐसा है जैसे हमने कहा ये छल्ला, ऐसे हमने रोक दिया। अब जब इससे हम कुटाई करेंगे तो भाई साहब कभी इधर की ओर घूम जाएंगे, कभी इधर की ओर घूम जाएंगे, ये स्थिर होंगे ही नहीं। तो इनको स्थिर रखने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे IS कोड ने ये मान्यता दी है कि दो एंकर बार यहाँ पर लगाने की जरूरत पड़ेगी। एंकर बार हमने क्या बोला, हमने कहा क्योंकि ये छल्ले को, ठीक है, टांगने का कार्य करता है, छल्ले को टांगने का कार्य करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंकर बार। और इसी एंकर बार को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, हैंगर बार, ठीक है, एंकर बार। और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, हैंगर बार। बता रहे क्लियर हो, लटकन छड़, क्लियर हुआ से, क्यों इसको लटकाने का कार्य करता है। चलिए यहाँ पर हमने देखा तो हम कहेंगे ये आपका क्या हुआ, ये कोने कोने में भी कन्वर्ट किया जाता है और ये कोई भी स्ट्रेंथ बियर नहीं करता है, जो एंकर बार है, ठीक है। हमने कहा कि इनको डिजाइन में नहीं लेते हैं, इनका केवल यूज इतना है कि भैया ये जो स्टीरप्स हैं इन सभी स्टीरप्स को अपने स्थान पर बनाए रखते, क्यों भाई, बड़े काम की चीज है ये, ठीक है, बड़े काम की चीज है, इसलिए इनमें कोई भी हमें, ठीक है, समझौता नहीं करना है, इनको अपने स्थान पर बनाए रखना है। उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ अतिरिक्त भी करना पड़ता है, ठीक है। तो IS कोड ने मान्यता दिया है कि उसमें दो एंकर बार, ठीक है, डाल सकते हो। अब आपके मन में आ रहा है कि जब इसको हम डिजाइन में ले नहीं रहे हैं, कार्य हम दो डाल दें, एक डाल दें भैया, एक डालोगे इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो शेयरिंग होता है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है वो कॉर्नर पे होता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, कॉर्नर पर होता है। हम कहेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रोकने के लिए, स्ट्रेस के मान को कम करने के लिए, शियर स्ट्रेस को कम करने के लिए कॉर्नर पर रेनफोर्समेंट का होना आवश्यक है। ठीक है, कॉर्नर पर सीयर रेनफोर्समेंट का होना आवश्यक है, इसलिए दोनों कोने पर डालेंगे और दो एंकर बार डालते हैं। ये स्ट्रेंथ में कंसीडर नहीं किया जाएगा, डिजाइन भी इसको हम नहीं करते हैं, क्लियर हुआ। ठीक है, बार अगर बात आती है तो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, मेन रेनफोर्समेंट से कम रख सकते हो, बराबर भी रख सकते हो, ज्यादा नहीं रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर डबली रेनफोर्स बीम है तो हम कहेंगे ये एंकर बार नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो डबली रेनफोर्स बीम है, जो कंप्रेशन क्षेत्र में बार डाला गया वही बार क्या करता है, एंकर बार की तरह यूज कर लिया जाता है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब बात आती है कि वर्टिकल स्टीरर्स, ये वर्टिकल स्टीरर्स के क्या लाभ हैं, लाभ भी हम देख लेते हैं। देखो लाभ हमने बताया यहाँ पर क्या, पहला नंबर तो क्या, ये जो वर्टिकल स्टीरर्स है क्रॉस सेक्शन को डक्टाइल बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, डक्टाइल बनाता है, ठीक है, टूटने से बचता है भाई, ठीक है, बेंड होता है फिर क्या कहता है, अपने स्थान पर वापस चला जाता है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, 0.003 mm के आसपास आता है, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो वर्टिकल स्टीरर्स है क्रॉस सेक्शन को डक्टाइल बनाता है। दूसरा चीज क्या हमने कहा कि ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक रेनफोर्समेंट पड़ा, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक रेनफोर्समेंट डाला, कुछ इस प्रकार से हम डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम आप जो है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, छल्ला बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं यहाँ पर, यही हाँ स्टीरस बना रहे हैं, यहाँ से हमने बार डाला, ये बार यहाँ पर आकर के खत्म हो गई। अब इसके बाद हमें और आगे बढ़ाना है ना, अब क्या करेंगे, ये बार उठा करके हम यहाँ से ऐसे डाल देंगे, ये बार उठा करके हम यहाँ से ऐसे डाल देंगे, मतलब हम कह रहे हैं क्या कि ये जो डबल एक्शन हो रहा है मेन एनफोर्समेंट का, वो भी प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही सहायक होते हैं। दो बार को इस प्रकार से जोड़ना है, हमने कहा यहाँ पर एक छल्ला बांध दीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, छल्ला बांध दीजिए, छल्ला नहीं है, स्टीरप नहीं है, हम ऐसे जोड़ दिए, क्या रुका रहेगा, नहीं, जैसे हम कुटाई करेंगे तुरंत क्या होगा, एक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इधर इधर कहीं ना कहीं भाग जाएगा तुरंत। हम कहेंगे कि इनको अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या कीजिए, एक वर्टिकल स्टीरर्स प्रदान कर दीजिए। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि वर्टिकल स्टीरर्स मेन रेनफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में, ठीक है, डबल एक्शन को भी प्रोवाइड करता है, डबल एक्शन को भी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर हमने देखा था कि क्रॉस सेक्शन को क्या करता है, ये डक्टाइल बनाने का क्या करता है, बता दें क्लियर, ठीक है। फिर हम दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरा हम देख रहे हैं क्या कि शियर स्ट्रेंथ को भी क्या करता है, ये बढ़ाने मतलब रोकने का कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शियर
स्ट्रेंथ कैन बी इंश्योर्ड कैन बी इंश्योर्ड इन आर सी सी बी आर सी डी बाई प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टीरप्स, या सिर्फ हम यहाँ पर स्टीरप्स लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों से हो जाता है, चाहे आप इंक्लाइन डालिए चाहे आप वहाँ पर क्या डालेंगे वर्टिकल डालेंगे, ठीक है, दोनों से क्या होता है शियर स्ट्रेंथ वहाँ पर रोकता है। क्लियर वहाँ से, मतलब हम कह सकते हैं क्या, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, हम कहेंगे क्या कि ये जो वर्टिकल स्टीरप्स है ये काफ़ी ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। क्लियर वहाँ से, ठीक है, तो ये हमारा कुछ वर्टिकल स्टीरप्स के भी फायदे थे। अब उसको आप लिखिएगा क्योंकि अभी लिखेंगे फालतू दो चार मिनट का टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा क्या समझते हुए चलिए हमने पीछे बता दिया है आपको जो लिखना है, जो भी आप सोचो कि हम भूल जाएंगे उसको आप तुरंत लिख लिया करो, ठीक है, जो भी सोचो हम भूल जाएंगे उसको आप तुरंत लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या सोच कर, पता नहीं आप ये सोच रहे हो हमें दोबारा पढ़ने को मिलेगा, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ा दे रहे हैं यहाँ पर, जो भी आपका डाउट है डाउट बताओ, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है, कम से कम आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, टाइम लॉस करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम यहाँ पर समझा रहे हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा उसको आप हमसे पूछिए हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि जब आप ऑफलाइन क्लास चलेगी हम पुनः इसको बताएंगे, तो पुनः इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है, हाँ अगर कोई डाउट्स रहेगा कोई न्यूमेरिकल रहेगा तो वो हम करवा देंगे, ठीक है, तो इसको आप जो है बढ़िया ध्यान लगा के पढ़ते चलो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ठीक है, स्टीरप्स स्टीरप्स, ठीक है, स्टीरप्स में भी हम पहला देख रहे हैं क्या, वर्टिकल स्टीरप्स, पहला हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर वर्टिकल स्टीरप्स। वर्टिकल स्टीरप्स की अगर हम बात करेंगे तो हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक बीम सेक्शन है, एक हमारे पास क्या है, ये बीम सेक्शन है, ये इसका यहाँ पर क्या है सपोर्ट है, यहाँ पर क्या है इसका सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से हम दो कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है उसको आप देख लीजिए, ये इसका कहीं ना कहीं पर न्यूट्रल एक्सिस होगा, कहीं ना कहीं पर इसका क्या होगा न्यूट्रल एक्सिस होगा, तो हम जानते हैं कि जो भी डायगोनल टेंसाइल क्रैक जनरेट होता है वो कहाँ पर होता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होता है। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी छोटा सा बनाएंगे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए हटा दे रहे हैं। ये जो क्रैकिंग जनरेट होती है ये क्रैकिंग कुछ इस प्रकार से जनरेट होता है, बता भाई कुछ ऐसे होता है नहीं होता है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं क्या कि जितनी दूर में क्रैकिंग जनरेट हो रहा है यहाँ से ये हमारा लीवर आर्म के बराबर लिया जाता है, क्योंकि हमने, ठीक है, पीछे डेरिवेशन किया था और डेरिवेशन हमने निकाला था V अपान B इंटू जेड, निकाला था ना निकाला था, ठीक है, तो वो जेड हमारा ये लिया जाता है, लेकिन IS कोड 456/2000 ने इसको जेड को हटा कर इसको क्या बोल दिया डी बोल दिया, क्या बोल दिया इसको डी। और फिर ये 45 डिग्री के एंगल पर होता है, कितने डिग्री के एंगल पर होता है, 45 डिग्री के एंगल पर होता है, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर होता है यहाँ पर, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर होता है, हम कहेंगे ये आपका डी है तो ये भी आपका क्या होगा लगभग डी ही लिया रहता है, ठीक है, एक कांस्टेंट आता है जेड, जेड बहुत ही कम होता है इसलिए उसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के जो बीच की दूरी है, ठीक है, जहाँ तक क्रैकिंग का टिप है, ठीक है, क्रैकिंग का जो टिप पॉइंट है इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारा क्या होगा डी, और इसी सेक्शन को कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन, इसी सेक्शन को हम क्या कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, ये माना जाता है कि जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, जहाँ पर शियर फोर्स, ठीक है, या जहाँ तक शियर फोर्स का मान मैक्सिमम होता है, ठीक है, उसे हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं, वह बिंदु, ये हम लिखेंगे क्या, वह बिंदु जहाँ पर या जहाँ तक शियर फोर्स का मान मैक्सिमम कैलकुलेट किया जाता है, मैक्सिमम, ठीक है, डिजाइन किया जाता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। और ये क्रिटिकल सेक्शन की दूरी कितना होती है, कॉलम के फेस से, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ की दूरी के बराबर लिया जाता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं डी। ये क्रैकिंग आपका यहीं से देखने को मिलता है, ठीक है, ये क्रैकिंग आपको यहीं से देखने को मिलता है, आपके पास सभी के पास नेट होगा, गूगल पे जाइएगा वहां पर डाल दीजिएगा, ठीक है, डायगोनल क्रैक, ठीक है, सिर्फ इतना डालना मत, डायगोनल क्रैक और उसका इमेज आएगा वहां से आप देखिएगा कि आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, आप जैसे बीम पे डाल देना तब तो और अच्छे से मिल जाएगा देखने को, ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन हुआ। और इसी सेक्शन तक हम ये मानते हैं कि जो शियर फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा जनरेट होता है, बताबे क्लियर हुआ, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस हुआ यहाँ पर डी डिस्टेंस हुआ। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या
इसी शियर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर हम स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं। इसको हम हटाते हैं, समझ में आ गया है ना, ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। और हम मान रहे हैं कि डी डिस्टेंस तक, ठीक है, डी डिस्टेंस तक यहाँ पर हमने एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, ठीक है, यहाँ पर भी हमने एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। अब इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, हम ये मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, हमने कहा कि जो क्रैकिंग है मान लेते हैं यहाँ पर है, क्रैकिंग मान लेते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, क्रैकिंग यहाँ पर है। तो ये जो डी डिस्टेंस होगा ये डी डिस्टेंस यहाँ तक रहेगा, बता भी क्लियर हो, ठीक है। अब इसी को हम काटने के लिए डायगोनल, ठीक है, स्टील भी डालते हैं, डायगोनल स्टील हम कुछ इस प्रकार से डालते हैं, बता भैया होता है, होता है 90 डिग्री एंगल पर होता है, अर्थात ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या होते हैं, एक सिर में होते हैं। ये आपका है क्रैक, ये हमारा क्या है क्रैक, और ये हमारा क्या है बेंट अप बार, ये हमारा क्या है यहाँ पर बेंट अप बार, बता भी क्लियर होना से। अब जो भी हम रेनफोर्समेंट वर्टिकल स्टीरप्स प्रदान करेंगे यहाँ पर वो कैसे करेंगे, तो हम देखो ये कुछ इस प्रकार से स्टीरप्स प्रदान करते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा यहाँ पर, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि क्रिटिकल सेक्शन तक शियर फोर्स का मान मैक्सिमम होता है, और वो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ है, हम कहेंगे क्रैक के टिप पॉइंट तक, क्रैक के टिप पॉइंट तक, और क्रैक का टिप पॉइंट हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। हम मान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है एस वी, हम कितना मान रहे हैं यहाँ पर एस वी, ठीक है, कहाँ पर लिखे रहे हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। जो स्पेसिंग है दो स्टीरप्स के बीच में उसको हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर एस वी, बता रहे हैं, ठीक है, इतना हुआ कि नहीं आते। अब बात यह आती है कि जो वर्टिकल स्टीरप्स पड़ रहा है इसकी सीयर कैपेसिटी कितनी होगी, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो सीयर कैपेसिटी जो वहां पर वर्टिकल स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी सीयर कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं सीयर कैपेसिटी क्या होगी, यहाँ पर हम लिखेंगे सीयर कैपेसिटी, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम सीयर कैपेसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू सीयर कैपेसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, अर्थात सीयर क्षमता इसकी क्या है, ठीक है, क्षमता क्या है इसकी, हम कहेंगे एक स्टीरप्स के द्वारा वहन किया जाने वाला बल, अर्थात एक स्टीरप कितने सीयर फोर्स को रजिस्ट कर सकता है, और फिर कितने सीयर यहाँ पर वर्टिकल स्टीरप्स डाले गए हैं, एक स्टीरप्स द्वारा वहन किया जाने वाला फोर्स, अब गुणे जितने स्टीरप्स यहाँ पर पड़े हैं, अगर इन सब को हम कर देंगे हम कहेंगे बता भाई टोटल सीयर कैपेसिटी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। हमने कहा कि कोई एक छान छप्पर आपको उठाना है, ठीक है, और एक लोग की जो क्षमता है उठाने की वो 20 किलो है, एक लोग की क्षमता कितना है 20, ठीक है, तो टोटल छप्पर को उठाने के लिए कम से कम 20 लोग लग रहे हैं, इसका मतलब टोटल शेयर कैपेसिटी आपको पता चलेगा नहीं, या हम कहेंगे कि उसका टोटल कैपेसिटी पता चल जाएगा भैया इसकी वजन इतना है, तभी हम 20 लोग जा करके इसको क्या किए थे उठाए, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या देखा कि एक लोग की हमने निकाल लिया पहले स्टेंट कि इनका ये कितना फोर्स लगा सकते हैं, कितना, ठीक है, सीयर रजिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या कहा कितना सीयर रजिस्ट कर सकते हैं, और कितने लोग हैं उतने से हम गुणा करा देंगे, तुरंत हम कहेंगे क्या सीयर कैपेसिटी आ जाएगा, बता भाई क्लियर होना। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, ठीक है, रजिस्टिंग सीयर फोर्स बाई वन स्टीरप, ठीक है, वन स्टीरप रजिस्टिंग शेयर फोर्स बाई वन स्टीरप, आप सिंपल भाषा में लिख लो भाई अगर दिक्कत हो, ठीक है, एक स्टीरप द्वारा वहन किया जाने वाला रजिस्टर किया जाने वाला शेयर फोर्स, अब फिर हम गुणे कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरप, बता भाई क्लियर होगा नहीं यहाँ से, ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरप। अब आपके दिमाग में आएगा ये पूरे धर्मों में स्टीरप पड़ा है, क्या हम पूरे कहेंगे, नहीं, हमने कहा क्या ये टिप पॉइंट तक ही, ठीक है, सीयर फोर्स मैक्सिमम होता है, और इसी सीयर फोर्स को रजिस्टर करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टीरप्स डाल रहे हैं, तो हम कहेंगे केवल यहीं तक ले जाएगा, फिर उधर भी आपका सपोर्ट के पास तक ले जाएगा, ठीक है, कितने डिस्टेंस तक लेता है, डी डिस्टेंस तक लेता है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो भी क्रिटिकल सेक्शन होता है या कॉलम के फेस या सपोर्ट के फेस से इसमें डी डिस्टेंस तक लिया जाता है, ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं आईएस कोड कहता है, चलिए यहाँ पर हम लेते हैं, और सीयर कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि सीयर फोर्स एक प्रकार से क्या है बल, एक प्रकार से क्या है बल, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, हम कहेंगे स्ट्रेस इनटू एरिया, बता भाई क्लियर हो गया, हमने कहा कि ये हमने क्या किया एक स्टीरप कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया, एक स्टीरप हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया, हम कहेंगे इस पूरे का एरिया ले लो, और इस एरिया को
फिर हम कहेंगे 0.87 FY से गुणा कर दो, बता भाई इसका फोर्स आया कि नहीं आया, फोर्स आ गया। अब हम कहेंगे नंबर ऑफ स्टीरर्स कैसे निकलेगा, हमने कहा कि दो लोगों के बीच की दूरी आपको पता है, ठीक है, और फिर टोटल डिस्टेंस आपको पता है, टोटल बटा स्पेसिंग कर देंगे, मान नहीं आएगा क्या भाई, सिंपल सी भाषा, हमने कहा कि 6 मीटर के डिस्टेंस में 1.5 मीटर की दूरी पर कुछ लोगों को बैठाया गया है, ठीक है, सिंपल भाषा समझिए, हमने कहा कि 6 मीटर के डिस्टेंस है, 6 मीटर के डिस्टेंस में, ठीक है, 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर लोगों को बैठाया गया है। अब बता भाई टोटल दूरी में कितने लोग बैठेंगे, हमने कहा 6 भागे 1.5 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्या 4, अर्थात 4 लोग वहाँ पर बैठे होंगे, वो चीज़ हमारा यहाँ पर भी होगा, ये टोटल डी डिस्टेंस है और इसको हम भाग कर दें इतने से, बता भाई नंबर ऑफ स्टीरर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आंसर, ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरर्स आ जाएगा। अब सिंपल भाषा में आंसर निकाल सकते हैं क्या भाई, थोड़ा सा मिटाएंगे ऊपर, हम ऊपर मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो हम सीयर रजिस्टिंग सीयर फोर्स बाय वन स्टीयर या रजिस्टर्ड सीयर फोर्स बाय वन स्टीयर निकालेंगे, और ये सीयर कैपेसिटी इक्वल टू आप आएगा, ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया 0.87 FY, ठीक है, ये इस स्टीरर्स का क्या हो गया स्ट्रेस, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेस, और इनटू हम कर देंगे ASV, बता भाई क्लियर हुआ, ASV क्या है, वर्टिकल स्टीरर्स, बता भाई याद रहेगा ना से, ठीक है, ये हमारा आ गया सीयर फोर्स, नंबर ऑफ स्टीरर्स हमने कहा इतना भागे कितना कर देंगे भाई SV के, ये तो होगा भाई, हमने एग्जांपल लिया ना 6 मीटर की दूरी पर 1.5 मीटर के अंतर बैठे गए हैं, 6 भागे 1.5 करेंगे कितना आएगा 4, वैसे हमारा यहाँ पर भी निकलेगा डी डिस्टेंस टोटल है, और दो स्पेसिंग के हैं, दो स्टीरर्स के बीच की स्पेसिंग कितना है SV, हमें कितना भागे इतना कर दो, इसका हमारा क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा, क्लियर हुआ, हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब सीयर कैपेसिटी के मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछ रहा है कि सीयर कैपेसिटी का फार्मूला क्या होगा, सीयर कैपेसिटी कितना होगा, हम इस फार्मूले को लगाकर निकाल सकते हैं, बता भाई क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम जानते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया था वो कितने फोर्स के लिए किया गया था, हमने कहा था τV - τC, काटने वाला फिर बचाने वाला, इसके बाद भी जो बच रहा था हम कहेंगे उतने के लिए सीयर रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड किए थे, बता भाई क्लियर हुआ, ठीक है। अब वहां से हमने नेट सीयर स्ट्रेस निकाला था, बता भाई पिछले लेक्चर में जाकर के देखिएगा वहां पर आपको निकाला गया होगा क्या नेट सीयर स्ट्रेस, ठीक है। नेट सीयर स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे या नेट सीयर फोर्स की बात करेंगे तो उसका जो मान आया था VUS, नेट सीयर फोर्स हम क्या बोले थे VUS, और वही हमारी क्या होगी सीयर कैपेसिटी, क्योंकि इसी को रजिस्ट करने के लिए हम इतना बात कर रहे हैं, बता भाई क्लियर होने यहाँ से, ठीक है। सीयर कैपेसिटी मतलब क्या, इनकी जो क्षमता होगी वही हमारा क्या मान लेते हैं नेट सीयर फोर्स, वो हम क्या मान लेते हैं नेट सीयर फोर्स जितने में सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, नेट सीयर फोर्स जितने में सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है उसको हम क्या बोलेंगे VUS, और इस स्टीरर्स का जो पूरी क्षमता होगी उसी को हम क्या कहते हैं सीयर कैपेसिटी। हम मान रहे हैं क्या कि इसी सीयर कैपेसिटी के लिए हम किसको मान रहे हैं नेट सीयर फोर्स को मान रहे हैं, और इसके मान जो आएगा 0.87 FY × ASV और इंटू में आपका आएगा DMR SV, बता क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां से हम फिर निकाल सकते हैं इसका मान, ठीक है, यहां से हम किसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है, VUS तो आपको पता ही होगा, VUS आपको नहीं पता होगा क्या, पता होगा वहां से VU - VC निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि SV इक्वल टू क्या आएगा, हम कहेंगे 0.87 FY और इंटू में आपका आएगा SV × D, और पूरे का बटा हो जाएगा क्या आपका VUS, बता भाई क्लियर हुआ। अब VUS आपका, ठीक है, पीछे निकला है पिछले लेक्चर में, ये आपका है VU - VCU, ठीक है, अर्थात टोटल सीयर फोर्स जो आ रहा है पूरे धर्म को काटने के लिए, ठीक है, पूरे धर्म को काटने के लिए जो आ रहा है, और कंक्रीट द्वारा कितना रजिस्ट किया जा रहा है, उसके बाद जो बच रहा है वो हमारा क्या होगा नेट सीयर फोर्स, और इसी के लिए हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं स्टीरर्स निकाल रहे हैं। हम कहेंगे कि यहाँ पे उस पूरे स्ट्रेस को, यहाँ कहेंगे पूरे फोर्स को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है, स्टीरर्स इतने इतने अंतराल पर लगाया जाएगा, बता क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एस मिनिमम की हम बात कर लेते हैं, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम भी आपने कुछ निकाला था भाई, मिनिमम स्पेसिंग मिनिमम रेनफोर्समेंट आपने निकाला था, नहीं पिछले वाले लेक्चर में जाके देखिएगा, पिछले लेक्चर में आपको मिला होगा ASV minimum upon B into SV = 0.4 upon 0.87 FY, यहाँ से हमने ASV मिनिमम की हमने बात किया था, और ये आपका आया होगा, ठीक है, कितना आया होगा, ठीक है, ASV मिनिमम, ठीक है, जो भी मान होगा निकाल लीजिएगा, ठीक है, SV का हमें मान निकालना है, ठीक है, SV यहाँ पर निकालें, SV यहाँ पर भी निकालें,
और ये एस बी का मान कैसे आएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर ठीक है एस वी इंटू 0.87 एफ वाई, ठीक है थोड़ा क्रम से लिख लेते हैं 0.87 एफ वाई इंटू एस वी और अपान हम करेंगे 0.4 इंटू बी, बताबे क्लियर हुआ। ये कौन सा है मिनिमम, ठीक है तो मिनिमम किसका है, ये मिनिमम है अर्थात मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जब मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है तो हम कहेंगे क्या उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ेगी, जैसे 10 लोग हैं हमने कहा बस कुछ लोगों को ही बैठाना है, कुछ लोगों को बैठाना है ठीक है 10 मीटर की डिस्टेंस हमने कहा कुछ लोगों को बैठाना है, हमने कहा भैया 5 लोगों को बैठाना है 2-2 मीटर की दूरी पर बैठा दीजिए, ठीक है मिनिमम लोगों को हमने बैठाया कि नहीं बैठाया। जब मिनिमम लोगों को बैठाया गया तो एस का मान क्या हो गया वहां पर बढ़ गया, स्पेसिंग क्या हुआ बढ़ा, स्पेसिंग क्या हुआ इंक्रीज हुआ। फिर हमने कहा कि इतना तो कम से कम बैठेंगे, इतना तो कम से कम बैठेंगे ही, लेकिन उसके बाद भी हमने कहा कि जब यहां से निकाला गया तो ये हमारा क्या है मिनिमम नहीं है, शियर रेनफोर्समेंट हमने डिजाइन किया था और उसके आधार पर हमने निकाला था, तो हम कहेंगे इसका मान कुछ क्या आएगा ठीक है छल्लों की संख्या ज्यादा आ जाएगी। यहाँ पर हमने मिनिमम लिया था, यहाँ पर छल्लों की संख्या इसके अपेक्षा क्या हो सकती है ज्यादा हो सकती है ठीक है, जब ज्यादा हो सकती है तो हम कहेंगे क्या कि इनके बीच की स्पेसिंग क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। जब न्यूनतम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत ध्यान समझना, जब न्यूनतम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके लिए जो भी स्पेसिंग होगा हम यहाँ से निकालेंगे और ये स्पेसिंग हमेशा अधिक होगा किससे, इससे। क्लियर हुआ, जब भी मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट की बात आएगी हम इस फार्मूले से निकालेंगे और ये एस बी का मान हमेशा अधिक होगा, जबकि हम अगर डिजाइन करके निकालेंगे तो यहाँ से हम स्पेसिंग का मान निकालेंगे, ये स्पेसिंग यहाँ पर क्या होगा इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा, बात आ गई ठीक से यहाँ पर ठीक है। मान लेते हैं ये आपका आ गया 300 mm और ये आपका आ गया 250 mm ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं ठीक है। तो अब बात यह है कि हम किसको लेकर के चलेंगे, किसको लेकर चलेंगे अंतराल ज्यादा जाता है ठीक है, अंतराल क्या है ज्यादा ज्यादा है, इसका हमने डिजाइन नहीं किया था, हमने सिर्फ यहीं पर देखा, हमने कहा यहाँ पर सीयर स्टीरस जो भी आएंगे वो कम हो जाएंगे ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टीरस का मान क्या होगा बढ़ेगा, हमने फिर कह दिया भाई ये यहाँ पर है 200 यहाँ पर क्या है 250 ठीक है। अच्छा ऊपर जो हमने बताया था आप लेके क्या चलोगे, आप मान लीजिए लेके क्या चलोगे ठीक है, मान लीजिए एस का मान अगर लेके चलना हो तो क्या लेके चलोगे, हम कहेंगे न्यूनतम वाला ठीक है, दोनों में से जो एस का मान न्यूनतम होगा, एस का मान न्यूनतम मतलब हमने क्या देखा स्टीरप्स ज्यादा, स्टीरप्स ज्यादा पड़ रहा है इसका मतलब शियर रेनफोर्समेंट की मात्रा ज्यादा, जब शियर रेनफोर्समेंट की मात्रा ज्यादा तो हम कहेंगे कि इसकी शियरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हुआ, लेकिन अगर कंडीशन आपका ये फॉलो कर रहा है कि टाउ बी का मान टाउ सी बाय टू से अधिक है लेकिन टाउ सी से कम है तो वहां पर हम केवल यही निकालेंगे अर्थात मिनिमम अंतराल मिनिमम रेनफोर्समेंट डालेंगे अर्थात मैक्सिमम अंतराल पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर हुआ, अब थोड़ा सा यहाँ पर फिर देखते हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ पर क्या कहा कि मान लीजिए इसका मान आ गया 200 ठीक है और इसका मान कितना आ गया 250 ठीक है, इसका मान कितना आ गया 250 इसका मान कितना आ गया 200। अब बात आते हैं अब हम क्या लेकर चलेंगे, तो भैया ये है मिनिमम रेनफोर्समेंट, ये हमारा क्या है मिनिमम रेनफोर्समेंट, भाई साल करने से हो सकता है आ ही जाए, ये हमारा क्या है मिनिमम रेनफोर्समेंट और ये हमारा क्या है डिजाइन करने के बाद का है। हमने कहा कि कम से कम इतनी दूरी पर होना ही चाहिए, कम से कम इतनी दूरी पर होना ही चाहिए ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इतनी दूरी पर हम बैठाएंगे बताओ फेल करेगा नहीं करेगा ठीक है, इनको 200 पे बैठाने से सेफ रह रहे हैं, हमने बैठा दिया इनको 250 पे बता भाई फेल होगा कि नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ऐसे कंडीशन हम कहेंगे क्या कि मिनिमम तो होना ही होना है, अतः एस का मान हम किसको लेकर के चलेंगे इसको लेकर के चलेंगे, बताओ क्लियर होना ना ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको मिल गया है, अब आप अपने पुराने या बचपन में पढ़े होंगे कि जो एस का मान होता है वो 0.75 डी से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है, 0.75 डी या 300 mm धरण के लिए आप ये पढ़ाओगे कि जो भी वर्टिकल स्टीरप्स का स्पेसिंग होता है वो 0.75 डी इंटू डी या 300 mm में जो कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये आप याद रखिएगा ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो एस का मान होता है ठीक है जो स्पेसिंग होती है ठीक है जो स्पेसिंग होती है या स्पेसिंग 0.75 डी या 300 mm में जो कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए, में जो कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है। एस का मान आईएस कोड ने लिखा है क्या 0.75 डी या 300 mm में जो कम हो ठीक है जो कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है, ये हमारा क्या होता है एस का मान होता है।
बता रहा क्लियर हुआ। ठीक है, हमारे क्लास यहाँ पर निकाल ली। अब देखिए एक फार्मूला आपने देखा था, ठीक है, 0.87 FY into ASB अपान 0.4B, ये हमारा क्या हुआ था SB, ये हमारा किसके लिए हुआ था, मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, किसके लिए, मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट के लिए। फिर हमने कहा कि फिर हमने दूसरा देखा 0.87 FY into ASB अपान में आपने देखा था VUS, ये हमारा किसके लिए था, डिजाइन जब हमने किया था, ये किसके लिए था, जब हमने डिजाइन किया था नेट शेयर फोर्स के आधार पर। अब बात यह आती है कि FY यहाँ पर किसका है, FY किसका है, ठीक है, ये जो FY यहाँ पर है दोनों का ये हमारा है किसके लिए भाई, स्टीरप्स का, ये हमारा किसका है, स्टीरप्स का है, बताओ क्लियर हुआ से, अर्थात स्टीरप्स जिस ग्रेड का लिए हो वही ग्रेड यहाँ पर FY लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो FY है ये कभी भी अधिक नहीं होगा किससे, 415 से, क्लियर हुआ। ठीक है, क्या हम 250 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, क्या हम यहाँ पर 500 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हो। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल बार की बात आती है, जब नहीं मिलता है हम ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे स्टीरप्स के लिए, हम कहेंगे किसी भी स्थिति में 415 से अधिक नहीं लिया जाएगा, बताओ क्लियर हुआ। जो SB है ये क्या है, SB हमारा क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो SB है, ठीक है, इसके लिए भी फार्मूला देखते हैं, फिर भी हम डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, π/4 और इनटू में आपका आता है फाइव डैश का स्क्वायर, यन क्या है आपका, नंबर ऑफ लेग, अभी हम दिखा रहे हैं नंबर ऑफ लेग क्या है। ठीक है, ये जो आपका फाइव डैश है ये हमारा क्या है, डाया ऑफ स्टीरप्स, बताओ क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि जो FY हो गया 415 से अधिक नहीं होगा, इससे कम ही लिया जाएगा हमेशा। ठीक है, और ये जो ASB है ये ASB यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब हम दिखा रहे हैं कि ASB आपका कैसे निकलता है। जैसे हमने कहा कि ये लेग क्या है, ठीक है, ये देखो आप, ये हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं स्टीरप, इस प्रकार से स्टीरप बनाते हैं, यहाँ पर एंकर बार पड़ता है, यहाँ पर हमने मेन बार प्रोवाइड कर दिया, तो ये बार क्या करते हैं कुछ इधर की ओर ला करके कुछ इस प्रकार से बेंड कर देते हैं। ठीक है, जो भी फोर्स आता है कुछ इस प्रकार से आता है, रिएक्शन फोर्स इधर से जनरेट होता है, अतः हम कहेंगे क्या कि ये हमारा धरन है, जो भी स्टीरप्स होगा वो स्टीरप्स यहाँ पर डाला जाएगा, यहाँ से नीचे सपोर्ट है ऊपर से लोड है, हम कहेंगे वर्टिकली फोर्स कार्य करेगा, अर्थात ये आपका क्या होगा यहाँ पर शीयर को रजिस्ट करने का कार्य करेगा, क्या करेगा, शीयर को रजिस्ट करने का कार्य करता है, और इसी को हम यहाँ पर बोलेंगे क्या, लेग। यहाँ पर कितना लेग है, हम कहेंगे एक लेग है, यहाँ पर क्या है, दो लेग है, बताओ क्लियर वहां से। ठीक है, अब आगे हम अगर बात कर लिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने बात कर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इसके लिए कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 1, 2 और फिर इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अर्थात 1, 2, 3, तीन लेग हो गए। ठीक है, अगर हम यहीं पर बार की संख्या बढ़ा दी, बार की संख्या हमने यहाँ पर क्या क्या बढ़ा दिया, 1, 2, 3, 4 ऊपर हमने कर दिया, 4 हमने नीचे कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हम कहेंगे एक हमने उठा लिया यहाँ से, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया, और एक हम उठा लिए यहाँ से, ठीक है, आपको दिख रहा है हमारे ख्याल से। ठीक है, अर्थात यहाँ पर लेग की संख्या कितनी हो गई, हम कहेंगे 4, बता भी क्लियर हो गया। ठीक है, अर्थात सिंपल भाषा में यहाँ पर कहेंगे कि लेग की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन धरन में जो सामान्यता यूज किया जाता है, वह 2-leg स्टीरप से ही यूज किया जाता है, धरन में सामान्यता 2-leg स्टीरप से ही यूज किया जाता है। ठीक है, अगर अर्थक्वेक को ध्यान में रखते हुए आप डिजाइन कर रहे हो तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाती हैं, बता भी क्लियर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ लेग, यन का मान यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 4, जब यन का मान 2 रहेगा, लेग की संख्या 2 रहेगी, तो वहां पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। फाइव डैश क्या है, हम कहेंगे जो इसका डायमीटर है वही हमारा क्या है, फाइव डैश, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वर्टिकल स्टीरप के बारे में हमने देख लिया। अब जब हम इंक्लाइंड स्टीरप के बारे में बात कर लेते हैं, इंक्लाइंड स्टीरप, ठीक है, इंक्लाइंड स्टीरप की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, बी पॉइंट आपका है इंक्लाइंड स्टीरप, ठीक है, हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, एक बीम है, ये बीम सेक्शन है हमारे पास, हम जानते हैं क्या कि अगर ये कोई क्रॉस सेक्शन है तो इधर की ओर एक टेंसाइल फोर्स लग रहा था जिसके कारण ये कुछ इस प्रकार से फट रहा था, पता भी क्लियर नहीं आते, ऐसे फट रहा था, नहीं फट रहा था भाई, ये इनको इधर खींच रहा था, ये इनको इधर खींच रहा था, ये थोड़ा सा नहीं हो रहा था, इसको हमने बोला था क्या, डायगोनल टेंशन क्रैक, कि जो डायगोनल टेंशन क्रैक हो रहा है
ये डायगोनल टेंशन करे कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस डायगोनल टेंशन को हम रोकने के लिए क्या करते हैं कि हम कुछ इस प्रकार से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, बता पे क्लियर हो नहीं हुआ, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट। तो हम कहेंगे क्या कि अब इस छल इसको इसको पाटना है, हम इस बेंटअप बार को अगर हटा दें, इस बेंटअप बार को अगर हम हटा दें तो हम कहेंगे किस प्रकार से इसमें स्टीरस लगाया जाए। ये बीच में है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो हम कहेंगे भैया ऐसा है कि ये स्टीरस जो यहाँ पर आपको डालना है वो स्टीरस कुछ इस प्रकार से लगाइए। देखो इसको बांध रहा है, नहीं बांध रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको बांध दिया, वैसे इधर भी हमारा करेक्ट होगा, क्यों, इधर भी करेक्ट होगा हमारा, जब इधर करेक्ट होगा तो इसको हम कैसे लगाएंगे, हम कहेंगे इसको भी आपका कुछ ऐसे ही लगाया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, बता भाई क्लियर होने यहाँ से, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये जो रुका है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वर्टिकल लगा देते हैं या तो हम कुछ इस प्रकार से इसको बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम जो समझा रहे हैं उसको आप देखिएगा, ये स्टीरस है, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको भी हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एस वी, बता भाई क्लियर होना चाहिए, एस वी। इनके बीच का जो कोण आ रहा है वो कोण 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए था, ठीक है। हम मान लेते हैं अल्फा कोण है, ये जो अल्फा है, ठीक है, इस अल्फा का मान कभी भी कम नहीं होगा किससे, 45 डिग्री से, क्लियर हुआ, क्यों भाई 45 डिग्री पे क्रैक ही जनरेट हो रहा था मैक्सिमम वाला, हम कहेंगे उसी को हमें रोकना है, इस पर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, जब ये 45 है तो ये 45 कर दीजिए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग क्या होती है, अच्छे से बन जाती है। अब इसके लिए एस वी का जो मान आएगा, ठीक है, वही जो आप ऊपर निकाले तो वही हमारा यहाँ पर भी निकलेगा, 0.87 FY into SV, अब पूरे का बटा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा VUS, यहाँ पर क्या होगा VUS, ठीक है, into D भी रहेगा, क्लियर हुआ। ये हमारा क्या हुआ, पहले वाला हुआ जो पहले निकाले थे, अब इसी में हम क्या करेंगे कि गुणे कर देंगे साइन अल्फा प्लस कास अल्फा, साइन अल्फा प्लस कास अल्फा, बता दें क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां से भी हम इसको निकाल सकते हैं, कहां भाई, ठीक है, ठीक है, यहां से हमने एस वी मान निकाल लिया। अब अगर वी यू एस की बात करेगा तो इसको दे दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, यहां से हम किसका मान निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, बता क्लियर हुआ, ठीक है। इंक्लाइंड स्टीरस भी आपका हो चुका है, अल्फा का मान कम नहीं होना चाहिए 45 डिग्री से, एफ वाई का मान कम नहीं, अधिक नहीं होना चाहिए 415 से, क्लियर हुआ। एस बी जैसे आप पीछे निकाले थे वैसे यहाँ पर भी निकाला जाएगा, ठीक है, एन इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 डैश का स्क्वायर, 5 डैश क्या आपका इस स्टीरस का क्या है डायमीटर है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, अब हम अगला देखते हैं बी पॉइंट बेंटअप बार, अगला हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर बेंटअप बार, ठीक है, बेंटअप बार, बेंटअप बार, ये बेंटअप बार के रूप में भी हम शेयर रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं, क्लियर हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है डायगोनल रेनफोर्समेंट, ठीक है, या डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट को किस नाम से जाना जाता है, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट को किस नाम से जाना जाता है। ये हमारे पास क्या है, धरन है, जो भी यहाँ पर क्रैकिंग जनरेट हो रही थी, क्रैकिंग इस प्रकार से हो रही थी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बार पड़ रहा है, हम कहेंगे टेंशन क्रैक को रोकने के लिए कार्य कर रहा है, पड़ रहा है, हम इसी को कहते हैं क्या, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट, बताबे क्लियर होना चाहिए, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट बेंटअप बार के रूप में डाला जाता है, बताबे क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब बात यह आती है, जो बेंटअप बार होता है ये अकेला कार्य नहीं करता है, ठीक है, ये अकेला कार्य नहीं कर पाता है, ये केवल क्या करता है कि इन क्रैक को रोकने का कार्य करता है, बस और कुछ नहीं। बाकी जो वहाँ पर और ज़्यादा शेयर फोर्स आते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर स्टीरस भी लगाना पड़ता है। ये जो बेंटअप बार होता है कहता है कि हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, हमारा काम है कि इनको क्रैकिंग से बचाना, हम क्रैकिंग से इनको बचा रहे हैं, बाकी जो शेयर आ रहा है उस शेयर को हम थोड़ा बहुत बेयर करेंगे, ज़्यादा बेयर नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ, कि ज़्यादा कौन बेयर करेगा भाई, ज़्यादा कौन बेयर करेगा। तो उसके लिए हम कहेंगे क्या कि इन्हीं के साथ में हम वर्टिकल स्टीरस को भी प्रोवाइड कर देते हैं, इन्हीं के साथ में क्या करते हैं, वर्टिकल स्टीरस को भी प्रोवाइड करते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि बेंटअप बार, ठीक है, टोटल शेयर को रजिस्ट नहीं कर पाता है, टोटल शेयर को रजिस्ट नहीं कर पाता है, जो भी ये नेट शेयर आपने देखा था VUS, इसमें कुछ तो ये बेंटअप बार रजिस्ट करता है, कुछ क्या करता है, बेंटअप बार रजिस्ट करता है, और कुछ जो बचता है उसको स्टीरस द्वारा रजिस्ट करते हैं, किसके द्वारा करते हैं,
स्टीरस के द्वारा रजिस्टर किया जाता है। फिर वो वर्टिकल स्टीरस हो सकता है, इंक्लाइंड स्टीरस होता है, वैसे हम इंक्लाइंड का यूज नहीं करते हैं, डिस्कस करते हैं हमेशा वर्टिकल स्टीरस का यूज करते हैं। अर्थात जो भी नट शियर फोर्स था, ठीक है, उसमें कुछ हम घंटा बार के लिए कुछ वर्टिकल स्टीरस के लिए डाल देते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल स्टीरस आने पर बेंटा बार हम निकाल रहे हैं। अब बेंटा बार के लिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पर क्या कुछ, इतना अगर बात आपके दिमाग में आ रहा है तो लगभग मान लीजिए 50%, आधा ये संभालेंगे और आधे के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, बेंटा वर्टिकल स्टीरस डालना पड़ेगा, क्योंकि बेंटा बार अकेला काम नहीं करता है। क्लियर होना से, ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बार को बेंड किया गया है, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर ये हमारा कुछ बार इस प्रकार से बेंड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, वो कोण हमारा कितना है, 45 डिग्री का है। बता भाई, इस पर जो भी शियर फोर्स आएगा, वो कैसे रजिस्ट करेगा, इस प्रकार से रजिस्ट करेगा। फोर्स की हमने बात किया, जब हमने फोर्स की बात किया तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो फोर्स क्या होगा, देखो ये इधर की ओर फोर्स आ रहा है, जो रजिस्ट करेगा कैसे रजिस्ट करेगा, इधर की ओर रजिस्ट करेगा, किधर की ओर, इधर की ओर, हम इसको दाब रहे हैं, ये इसको क्या कर रहा है, इधर को ढकेल रहा है, ठीक है। अब ऐसे केस में हम कहेंगे क्या कि ये इधर की ओर एक फोर्स लगाएगा, इधर की ओर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे कि एस वी इंटू, ठीक है, बी वेंटर बार कर देते हैं, और इंटू 0.87 FY, बता भाई फोर्स वर्क नहीं हुआ, एरिया इंटू स्ट्रेस, फोर्स वर्क नहीं हुआ, ठीक है, क्यों, शियर फोर्स है भाई, जो इस पर आ रहा है कौन सा आ रहा है, शियर फोर्स आ रहा है, जब वो फोर्स है तो कहेंगे ये भी हमारा क्या होगा, एक प्रकार से फोर्स होगा। जब हम देखेंगे क्या, तो ये दो घटक में टूट जाएंगे, एक इधर की ओर घटेगा और एक इधर की ओर टूटेगा, बता भाई क्लियर वर्क नहीं हुआ, तो जो इधर की ओर टूट रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ला करके लिख दे रहे हैं, एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक इधर की ओर आ रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा कि इसके ठीक सामने जो भी होता है उसको हम मानते हैं लंब है, और ये हमारा क्या यहाँ पर कर्ण है। यहाँ पर जो स्ट्रेस हो रहा है वो स्ट्रेस हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, वी बी बेंटअप बार द्वारा, ठीक है, वहन के द्वारा कुल शियर फोर्स, बताओ क्लियर होना से। इसके लिए हम इसका मान निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पर आप ले लीजिए साइन थीटा का मान, अर्थात साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, हम कहेंगे लंब बटे कर्ण, पता भाई होगा कि नहीं होगा, लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पर आपका पता है, ठीक है, अल्टीमेट में बात कर लेते हैं वी वी यू या वी यू वी भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर इसको लिखता है, कहीं पर इसको लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है, बटे हमने कहा लिख देते हैं, आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर हाँ ये हमारा क्या हुआ लंब, ये हमारा क्या हुआ कर्ण हुआ, अर्थात 0.87 FY और इंटू में हम लिखेंगे यहाँ पर क्या AS B, बता भाई क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बेंट अप बार का एरिया मतलब जो थोड़ा यहाँ पर बेंट किया गया उसी का एरिया लेना है, ठीक है। अब यहाँ से VUB का मान निकालेंगे, और ये मान हमारा आएगा साइन 45 को तोड़ दीजिए, तो यहाँ से हम साइन 45 को तोड़ देंगे 0.707, ठीक है, इंटू 0.87 FY इंटू हम क्या लिखेंगे SB, बता रहे क्लियर हुआ। जब इन दोनों को हम गुणा करा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा VUB, दिख रहा है ऊपर लिखते हैं नहीं चाहिए, VUB इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 0.615 FY इंटू SB, बता रहे क्लियर हुआ। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि बेंट अप बार द्वारा कितना शियर फोर्स रजिस्टर किया जाएगा, बता रहे क्लियर हुआ, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं, हम इसी को फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर नीचे, अगर नहीं दिख रहा हो तो VUB का जो मान आया है 0.615 FY इंटू ASB, ये मान आया है, ठीक है। FY क्या है, मेन रेनफोर्समेंट जो डाले हो वही छड़ तो यहाँ पर बेंड किए हो, तो वही छड़ का हमारा क्या होगा, FY होगा। अब मेन छड़ जो आपका पड़ा था वही छड़ को हमने क्या किया था, बेंड भी किया था, उसमें हम निकाल लेंगे क्या ASB, बता रहे क्लियर हुआ, ठीक है। जितने छड़ बेंड किए हो उतने छड़ का यहाँ पर निकाला जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं SB इज इक्वल टू n इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 का स्क्वायर, और n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ बेंटअप बार, कितने छड़ को आपने बेंड किया है, पता रखिए ध्यान, ठीक है। अब बात यह आती है कि हमने देख लिया बेंटअप बार के लिए कितना आया, अब यहाँ पर बात यह आती है कि वर्टिकल स्टीरस क्या संभालेगा। अब
वर्टिकल स्टेप्स का समझ लेगा, हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर कहा कि जो टोटल शेयर आ रहा था वो हमारा क्या आ रहा था, BUS आ रहा था, नहीं आ रहा था टोटल। उसमें बेंटअप बार द्वारा कुछ रजिस्टर कर दिया गया, बता भाई, बेंटअप बार द्वारा कुछ रजिस्टर कर दिया गया। अब जो बचेगा उसके लिए वर्टिकल स्टीरअप्स लिया जाएगा। अब जो बचेगा उसके लिए क्या लिया जाएगा, वर्टिकल स्टीरअप्स लिया जाएगा। बता रहे क्लियर हो? तो वर्टिकल स्टीरअप्स ऐसे नहीं निकालते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन भी हैं। कंडीशन हमारा पहले ऐसा है कि VUS माइनस VUB, ठीक है, VUB इसमें, और दूसरा ठीक है VUS बटे 2, ठीक है, अर्थात 50%। अब इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा, उसी के लिए वर्टिकल स्टीरअप्स लिया जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पर, क्या मानते हैं भाई, देखो डिजाइन करना तो ऐसे ही कीजिए, अच्छा रहेगा। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि नेट शेयर स्ट्रेस, हमने नेट शेयर फोर्स हमने निकाल लिया, जितने के लिए हमें शेयर रेनफोर्समेंट डालना है। ठीक है, दोनों लेक्चर समझोगे तभी समझ आएगा, इसके पहले वाला और ये दोनों के साथ समझो तभी समझ आएगा। हमने क्या कहा कि नेट शेयर फोर्स हमें पता था, इसके लिए हमें शेयर रेनफोर्समेंट डालना था। कंक्रीट वंक्रीट को सबको हम रजिस्टर कर दिए थे वहां पर, ठीक है, उसके बाद भी हमें इतने के लिए दूसरे का सहारा लेना था। अब दूसरे के सहारा में यहाँ पर दो लोग हैं, एक है बेंटअप बार, एक है वर्टिकल स्टीरअप। वर्टिकल स्टीरअप कहता है कि हम पूरा कर्जा दे सकते हैं, मतलब हम पूरा रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेंटअप बार अगर नहीं रहेगा तो ये डायगोनल टेंशन जो क्रैक जनरेट हो रहा है ये क्या होगा, यहाँ पर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। हमने कहा कि नहीं, हम दो लोगों से सहारा लेंगे, एक बेंटअप बार लेंगे और एक हमारा क्या वर्टिकल स्टीरअप। तो बेंटअप बार की जब बारी आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरा नहीं रजिस्टर करेंगे, हम कुछ ही रजिस्टर करेंगे, अर्थात अगर देखोगे तो केवल लगभग हम 50%, लगभग कितना, 50% ही हम रजिस्टर कर पाएंगे, अर्थात जितना नेट शेयर फोर्स था जिसके लिए हमें शेयर रेनफोर्समेंट डिजाइन करना था, उसका 50% कौन बियर करेगा, बेंटअप बार। अब जो बचेगा 50% उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बेंटअप बार अकेला यूज नहीं किया जाएगा। बताबे क्लियर हो? तो उसके लिए हमने क्या देखा कि बेंटअप बार का हमने निकाल लिया कि बेंटअप बार कितना शेयर रजिस्टर कर रहा है, और यहाँ से हमने निकाल लिया इतना आ गया। हम कहेंगे क्या कि अब जो नेट शेयर था उसमें से इतना हमने रजिस्टर कर दिया। बताबे क्लियर हुआ? अब जो बचेगा उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, वर्टिकल स्टीरअप। टोटल में से इतना हमने घटा दिया, अब जो बचेगा उसके लिए हम डालेंगे वर्टिकल स्टीरअप। अब मान लीजिए इसका मान कुछ बचा, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि उसका जो 50% लेगा था बटे दो, ठीक है, इन दोनों में किसका मान ज्यादा है, जिसका मान ज्यादा रहेगा उसी के आधार पर हम वर्टिकल स्टीरअप की बात करेंगे। क्लियर हुआ? अब वर्टिकल स्टीरअप की जब यहाँ पर बात करोगे तो मान लीजिए 50% की अगर हमने बात किया, तो यहाँ पर जो आपका SV आएगा 0.87 FI × SV2D, अब पूरे का बटा यहाँ पर हो जाएगा BUS/2। ठीक है, और अगर इसका मान आ रहा है इसका मान रखिएगा, इसका मान आ रहा है उसका जो ज्यादा होगा वो यहाँ पर रखा जाएगा। ये कब लिया जाएगा, जहाँ पर बेंटअप बार और वर्टिकल स्टीरअप दोनों प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बता भाई इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने देख लिया है बेंटअप बार के बारे में देख लिया है और वर्टिकल स्टीरअप के बारे में भी देख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि हाँ, दोनों के कंडीशन में हमने बता दिया कि दोनों कंडीशन होगा तो दोनों के कंडीशन में भी क्या लिया जाएगा, कंबाइंड जो हमने बताया था बेंटअप बार और वर्टिकल स्टीरअप, तो यहाँ पर हमारा यही चीज लिया जाता है। बता रहे क्लियर से? ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या वर्टिकल स्टीरअप या वर्टिकल स्टीरअप बात कर लेते हैं, स्टीरअप में 500 ग्रेड की स्टील यूज की जा सकती है, कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, 500 ग्रेड की स्टील स्टीरअप में हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये लेक्चर हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, आप पीछे जा करके उसको देख लीजिएगा, अगर पिछला लेक्चर आपको नहीं क्लियर है फिर आप जब पहले देखिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, तभी दोनों अच्छे समझ में आएगा। क्लियर हुआ? जब तक उसको आप नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, आप जा करके पिछला दोहरा लीजिएगा, जो भी डाउट होगा आप हमें बताइएगा। ठीक है, आगे हम करेंगे आपसे कुछ IAS के क्वेश्चन, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। क्लियर हुआ? थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।